हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईके क्लासेस। मेरा नाम है वैभव पांडे। पिछली वीडियो में हमने आईएससी मैथ्स 2023 का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, उसके 15 पार्ट हमने सॉल्व किए थे। तो आज उसी फ्लो में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है, इफ वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसमें। तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स both the sides। तो ये हमारा हो जाएगा 2y dy by dx equal to sin x का डिफरेंशिएशन cos of x plus y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy by dx। अब dy by dx के सारे टर्म को हम एक साइड कर लेंगे, तो ये होगा 2y dy by dx minus of dy by dx इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, राइट। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो हम बाकी के टर्म को आर एच एस में भेज देंगे, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ये हमारा ऑप्शनल है, पर हम ये वाला भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, हो सकता है किसी को ये वाला समझ में आए, तो इसलिए हम ये वाला सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8 फॉर विच द एक्सिस आर एंड द ऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम रिस्पेक्ट एट द सेम रेट। एक्सिस मीन्स x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सिस और ऑर्डिनेट में, हम x और y में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका एक सीधा तरीका है, a से एक्सिस है तो x पहले आता है तो एक्सिस हो गया, ऑर्डिनेट में o बाद में आ रहा है तो y एक्सिस हो गया। तो अब हम इसमें बताएंगे आगे क्या करना है, एट द सेम रेट, दे आर चेंजिंग एट द सेम रेट। इसका मतलब है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे डी टी का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब रेट की बात आती है तो हम टाइम को ही कंसिडर करते हैं, और टाइम के लिए हमने वेरिएबल डी ले लिया, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। तो यानी कि हमारा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। देखिए डी टी और डी टी तो कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इस कर्व को, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y dy by dx इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 2 dy by dx, यानी कि 2 अपॉन dy by dx, और dy by dx की वैल्यू हमें अभी अभी पता चली है इक्वल टू 1, यहाँ पे दे रखा है, वहीं से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 अपॉन 1 दैट इज 2। अब क्योंकि हमें y पता चल गया, तो x आराम से हम निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन में हम y की जगह 2 को रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8, यानी कि ये क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 8, 4x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस 1। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट का मतलब एक x एक्सिस का पॉइंट और एक y एक्सिस का, यानी x कॉमा y के फॉर्म में हमें लिखना है। तो आंसर आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, इसमें हम लिखेंगे द पॉइंट इज माइनस 1 कॉमा 2,
ये -1 x के लिए और 2 y की जो वैल्यू आएगी। क्लियर?